गाइस कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे से होंगे। सबका गाइस वेलकम है मेरे चैनल पे स्टेप फॉर वीज़ा पे। सबसे पहले आप सबको स्टेप फॉर वीज़ा की तरफ से गाइस हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हों इस दिन की। तो स्टेप फॉर वीज़ा आपकी प्रगति के लिए हमेशा ही कामना करेगा। और जिनका भी सबमिशन हुआ हुआ है VFS में, या जिन्होंने भी अपने वर्क परमिट के लिए हैस की वेबसाइट पे जिनका जो सबमिशन है वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबको स्टेपफोर्ड वीज़ा विश करते हैं। सबका वीज़ा आए, सबके वर्क परमिट आए और सब अपनी मंजिल पे पहुँचे। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। तो चलिए गाइस आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रोएशिया एम्बेसी की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे टाइटल पे, तो काफ़ी सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो को गाइस पूरा डिटेल में देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे क्या क्या स्टेप फॉर वीज़ा आपके लिए अपडेट्स लेके आया है। तो जो मेरे चैनल पे गाइस फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को गाइस लाइक शेयर जरूर करें। स्टेप फॉर वीज़ा आपका अपना चैनल है जो आपको हर समय लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स देता है। तो गाइस चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलें और औरों के साथ भी शेयर करें। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि कुछ एक वीज़ा जो है जल्दी आ रहे हैं, 70 दिन में बताया था। पहले भी 70 दिन में वीज़ा आया था, 70, 74, 76 दिन में वीज़ा आ रहे हैं। तो अभी फिर से गाइस आपके साथ ये गुड न्यूज़ लेके आए हैं, 70 दिन में वीज़ा स्टैम्प होके मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये गाइस एक इंडिकेशन है एम्बेसी का जो है, जो बैकलॉग है 2023 का, चाहे वो सितंबर के कुछ एक बचे हों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। वही पुराने दिन जो पहले थे 60-70 दिन में जो वीज़ा स्टैम्पिंग हो रहे थे, वही दिन दोबारा से लौट आने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल आपने सही सुना, 70 दिन में वीज़ा स्टैम्प होके गाइस मिला है। नवंबर मंथ पे जिनका भी सबमिशन हुआ है गाइस, तो उनके काम में तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में, पिछले 3 नवंबर वाले को भी वीज़ा मिला था, तो 15 नवंबर तक की जिनका भी सबमिशन हुआ हुआ है, तो 15 नवंबर तक के कई पर्संस को जो है वीज़ा मिलने की खबरें आ रही हैं, जिसमें फूड डिलीवरी वेल्डर फैब्रिकेटर को वीज़ा मिला है। तो ये गाइस बहुत ही खुशी की न्यूज़ है कि अभी अक्टूबर भी जो है अभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अक्टूबर भी 30% ही अभी जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर 30% ही जो है जिनका सबमिशन हुआ था उनका वीज़ा स्टैम्प होके मिला है, और सितंबर मंथ जो है 97% जो है पूरा हो चुका है। तो नवंबर में जिनका भी सबमिशन हुआ है गाइस, 15 नवंबर तक के कई पर्संस को वीज़ा मिला है। सबको नहीं, अभी कई पर्सन जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उनके सवाल होंगे कि हमारा भी नवंबर में है, 3 में या 10 में 8 में कोई भी डेट हो सकती है नवंबर की, तो उनको क्यों नहीं मिला। तो गाइस ऐसा नहीं है। तो जैसा कि स्टेफोर्ड वीज़ा ने एक विशेष रिपोर्ट अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी वो उसमें देखें, तो उसमें सारे कारण बताए हुए हैं कि एम्बेसी किन कारणों से है देरी लगाती है, किन कारणों से जो है वीज़ा स्टैंपिंग में देरी होती है। तो उस विशेष रिपोर्ट में आप स्टैफोर्ड वीज़ा की सारी डिटेल को सुन सकते हैं गाइस। तो ये गाइस मैंने आपको बताया कि 70 दिन में वीज़ा स्टैम्प होके हो रहे हैं। तो एक और भी गाइस इसमें है कि जैसा कि स्टैफोर्ड वीज़ा की तरफ से आपको बताया गया था उसी विशेष रिपोर्ट में कि कुछ एक पर्सन्स को जो है क्रोएशिया हाई कमीशन न्यू दिल्ली, किसी किसी पर्सन को जो है ईमेल के द्वारा जो है इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस पूछती है, उसको इंटरव्यू ही कह सकते हैं, ईमेल के माध्यम से 10 सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब देना होता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर को 124 दिन लगे और 10 सवालों के उनको जो है प्रश्न भी पूछे गए जिनका उन्होंने उसी दिन, उनको 124 दिन बाद गाइस जो है वीज़ा मिला।
ओके, जब उन्होंने सवालों के जवाब दे दिए तो उसमें एम्बेसी ने उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम लिया। ओके, तो और भी कुछ है न्यूज़ तो स्क्रीनशॉट पे नज़र डालिए। देखिए गाइस, मेरी स्क्रीन पे जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है कि उनके दोस्त का 15 नवंबर को VFS में सबमिशन हुआ था हैदराबाद में, और उसका कोरियर डिस्पैच का मैसेज आ गया, 70 डेज में वीज़ा मिला। ओके, जिसमें उनका जो है वेल्डर के थे कुछ वीज़ा और फैब्रिकेटर के गाइस। ओके, और इसके साथ ही एक मुझे टेलीफोनिक मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि 15 नवंबर को ही सबमिशन था फूड डिलीवरी के लिए। ओके, फूड डिलीवरी के कुछ पर्सन थे, कम से कम 5 से 7 लोग थे जिनका कि वीज़ा उनको मिला है, और ये फूड डिलीवरी कंपनी का नाम चैनल पे नहीं बताएंगे हम अभी। तो उसमें इनको वीज़ा मिला, और यही कंपनी का जो है वीज़ा 20 अक्टूबर को भी मिला था। 20 अक्टूबर को भी इनकी सबमिशन हुई थी गाइस इसी कंपनी की, और इन्हीं का ही 15 नवंबर को भी सबमिशन हुआ था और उनका वीज़ा मिला है गाइस। तो ये बहुत ही एक तेज़ी देखी जा रही है क्रोएशिया हाई कमीशन की तरफ से, अपना बैकलॉग वो जल्दी क्लियर करने वाली है गाइस। ओके, तो इसके अलावा गाइस एक पर्सन का 83 डेज में वीज़ा मिला है, दिल्ली VFS में सबमिशन था इलेक्ट्रिशियन का। ओके, तो नेपाल से ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनका 83 डेज में वीज़ा मिला है। तो इनका भी जो 83 डेज है, इन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा मंथ है, तो 83 डेज आप अपने अकॉर्डिंगली काउंट कर सकते हैं। ये गाइस अंदाजा लगाया जा सकता है, ये हो सकता है वही ऑलमोस्ट कह सकते हैं, किसी भी मंथ का कह सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के इन बिटवीन का हो सकता है ये। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको काउंट कर सकते हैं, बट ये 83 डेज उन्होंने टोटल जो है इसमें बता दिया। इनका इलेक्ट्रिशियन में वीज़ा आया है नेपाल से, और दिल्ली VFS से कोरियर हुआ है इनका। उसके अलावा गैस और देखिए स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे, ये पर्सन है मेरे, इनका 19 सितंबर को VFS में सबमिशन हुआ था अम्बेसी में, ये भी नेपाल से हैं। तो इनको गाइस 10 क्वेश्चन का मेल आया था, 10 क्वेश्चन का जो मेल आया था गाइस वो भी अभी जैसे इसका सबमिशन होगा तो 100 दिन के बाद इनको जो है मेल आया था, 100 दिन के बाद 19 को VFS में सबमिशन हुआ, और 100 दिन के बाद जो है मेल आया 10 क्वेश्चन का। और जैसे इन्होंने कहा लास्ट वीक ट्यूसडे, ओके, तो उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया, और उन्होंने लिखा है कि रिप्लाई कर दिया मेल का और स्टिल वेटिंग फॉर वीज़ा। फिर उन्होंने मुझसे जो है अपडेट दिया, फाइनली 124 दिन में जो है पासपोर्ट कोरियर VFS का जो है मैसेज इनको मिल गया। ओके, तो जैसे इन्होंने लिखा है 118 दिन में बाद जो है मेल आया था इनको, 118 दिन में जैसे पूरे हो गए थे तो उनको मेल आया, तो क्वेश्चन आंसर का 10 क्वेश्चन का, तो इन्होंने जो है सेम डे ही जो है रिप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो है 124वें दिन को इनको कोरियर का, पासपोर्ट कोरियर का जो है VFS की ट्रैकिंग साइट पे इनको मैसेज मिला कि उनका जो है वीज़ा स्टैम्प हो गया है गाइस। तो ये है गाइस अपडेट्स। और दूसरा गाइस जो है जिनका भी सबमिशन हुआ हुआ है अक्टूबर सितंबर वाले, तो सितंबर का कुछ एक पर्सन्स के ही जो है फाइल्स अभी बची हैं, तो इत्मीनान रखे गाइस वीज़ा आ जाएगा। और अक्टूबर का जो 30% जो है पर्सन्स का जो है कोरियर का मैसेज आ गया है, तो वो भी इत्मीनान रखे, उनको भी अपडेट मिल जाएगा। आप बस VFS की साइट पे ट्रैक करते रहें गाइस। ओके, और सबसे पहले गाइस जो भी पर्सन मुझे कमेंट करते हैं कि उनका इस दिन को सबमिशन हुआ, इस दिन को सबमिशन उनका कब आएगा, गाइस सबसे पहले आप वीडियो को अच्छे से सुना करें, समझा करें, तो इसमें सारा मैंने बताया होता है। ओके, तो अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है गाइस, जैसा कि स्टेप फॉर वीज़ा आपको कई वीडियोस में बता चुका है, 70 से 120 दिन के दरमियान चल रहा है, 2-3 दिन ऊपर हो सकते हैं, बट अब मान के चलिए 4 माह का समय इसमें लगता है, 70 से 120 दिन। जब भी आपका सबमिशन हुआ है VFS में, वहाँ से अपना टाइम काउंट करें।
और जैसे ही आपके 60-70 दिन हो जाते हैं गाइस, तो रोज आप वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे VFS के साइट पे शाम 5 बजे के बाद ट्रैक करते रहें, किसी भी टाइम आपका जो है गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर किसी पर्सन का कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, और या मेरा इंस्टाग्राम है Step4Visa, वहाँ पे मुझे आप फॉलो करें, वहाँ पे भी मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मेरा ईमेल है Step4Visa@gmail.com। और मेरा गाइस टेलीग्राम में भी Step4Visa ने अभी अकाउंट बनाया है, उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम आईडी है Step4VS, इस पे आप मेरे साथ लिंक हो सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर Step4Visa के साथ शेयर करें, और वीडियो को गाइस लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।